नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अबाउट किचन टेल्स। मैं हूं अर्पिता। विंटर सीजन में केक किसको ना पसंद है, खास करके क्रिसमस में सभी केक खाते हैं। तो इसलिए मेरे आज की रेसिपी है क्रिसमस स्पेशल प्लम केक। बिल्कुल बेकरी जैसा ड्राई फ्रूट्स चॉको चिप से भरे हुए ये केक आपको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो बिना स्किप करके पूरा देखिएगा, और अगर पसंद आए तो एक लाइक के साथ साथ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब एक सॉस पैन में 3 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे, और ये शुगर को गर्म करेंगे जब तक मेल्ट ना हो जाए। पूरे शुगर मेल्ट ना हो जाए तब तक कड़छी चलाते जाएंगे। देखिए शुगर मेल्ट हो गया है और थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी है, तो इसमें 5-6 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। ये पानी गर्म होनी चाहिए, गर्म पानी ऐड करना है। चलिए अब देखिए कैरामल मिक्सचर बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। ये केक कढ़ाई में बनाएंगे, तो सबसे पहले कढ़ाई में सॉल्ट ऐड करना है। ऊपर एक स्टील का स्टैंड रखेंगे, आप 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में रीहीट करना होगा। बोल में 3 टेबलस्पून ग्रेटेड आलमंड ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून ग्रेटेड पिस्ता, 3 टेबलस्पून कैश्यू नट्स, 3 टेबलस्पून ब्लैक रेजिन्स, 3 टेबलस्पून रेजिन्स और 5 टेबलस्पून टूटी फूटी ऐड करेंगे। अब सभी ड्राई फ्रूट्स को एक साथ मिक्स करेंगे। जिन ये ड्राई फ्रूट्स अल्कोहल में सोक किए जाते हैं, लेकिन ये केक हम बिना अल्कोहल के बनाएंगे, तो ये ड्राई फ्रूट्स हम ऑरेंज जूस में सोक करेंगे। मैं यहाँ लगभग 2/3 कप ऑरेंज जूस लिया, ये फ्रेश ऑरेंज जूस है। आप चाहे तो ऑरेंज जूस के अलावा आप पाइनएप्पल जूस से भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऑरेंज जूस में सोक करेंगे। ये 3-4 घंटे तक मिनिमम सोक करना होता है, लेकिन आपके अगर इमरजेंसी हो तो आप मिनिमम 1 घंटे के लिए सोक कर सकते हैं। बट आप चाहे तो ये 3-4 घंटे तक, या फिर आप ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। अब एक बोल में 1 कप मिल्क लेंगे और इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। दोनों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे और इन सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब एक चलनी में 2 कप मैदा, 3 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून नटमेग पाउडर, 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/4 टीस्पून या 1 पिंच सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। चलिए मिक्स हो गया है, अब सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करते हैं। अब इसमें जो कैरामल का मिक्सर मैंने पहले बनाई थी वो ऐड करेंगे। चलिए अब 1/2 कप चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे
और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। चलिए बैटर रेडी है, अब एंड में एक टीस्पून विनीगर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। विनीगर ऐड करके आप एक दो मिनट के अंदर ही आपको मोल्ड पे ट्रांसफर करना होगा बैटर को। मैं एक 18 राउंड शेप मोल्ड यूज किया और इसको ऑयल से ग्रीस किया और इसमें नीचे और साइड में बटर पेपर ऐड किया। बैटर डालने के बाद मोल्ड को टैप कीजिएगा ताकि इवन लेयर बन जाए और अंदर के सारे एयर बबल्स निकल जाए। और अब इस मोल्ड को बहुत ही सावधानी से कढ़ाई में रखना है, स्टैंड के ऊपर रखना है और इसे करीबन 55 से 60 मिनट तक लो फ्लेम में बेक करना होगा। अगर आपकी मोल्ड की गहराई ज़्यादा है तो आपको 55 या 60 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते हैं, 5 या 10 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं। चलिए बेक हो गया है और केक को ठंडा करने के बाद मैं डिमोल्ड करती हूँ। देखिए कितना लाजवाब केक बने हैं। तो बन गया आज की क्रिसमस स्पेशल प्लम केक। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और खाने में ये इतना टेस्टी है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और भी सारे रेसिपीज है चैनल में आपको मिल जाएगा और आने वाले यम्मी रेसिपीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये केक घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।